हमारे इस प्रोग्राम हुरमत में बेस बेबस मुआशरे की एक ऐसी भयानक तस्वीर आपको दिखाने जा रही है, जिसमें औरत की बेहुरमती पर हमारे सियासतदान मौसवाए बुलंदो बाला दावों के और कुछ नहीं करते। हाँ, अलबत्ता इश्यूज की आड़ में अपनी सियासत की दुकानें जरूर चमकाते। भाईजान, अम्मा भी की तबीयत कैसी है अब? देखो फराद, तुम परदेश में बैठे हो, मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता। अम्मा भी की तबीयत रोज बरोज बिगड़ती जा रही है, संभलने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा है कि पानी की तरह बह जा रहा है, और ऊपर से डॉक्टर भी अभी तक ये पता नहीं कर पाए कि आखिर अम्मा भी को बीमारी क्या है। भाईजान, शायद आपको मालूम नहीं कि यहाँ अमेरिका में मैं दो दो जगह काम करता हूँ, और एक वक्त का खाना खाकर इस प्रदेश में गुजारा कर रहा हूँ, और वो पैसे इसलिए जोड़ रहा हूँ कि अम्मा भी जल्द से जल्द सेहत याब होकर अस्पताल से वापिस आ जाए। आइए और खुद देख कर फैसला कीजिए कि एक माँ, बहन, बेटी और बहू जैसे रिश्तों में सजी औरत क्या वही औरत है जो जिंदा तो है लेकिन सिर्फ मौत के इंतजार में। एक औरत की कहानी उसी की। सुना बेटे, जरा टीवी की आवाज तो तेज करना। अरे अम्मा भी, आपको सुनाई नहीं देता तो मैं क्या करूं? मुझे सुनाई देता है, मैं क्यों टीवी की आवाज ऊंची करूं? और इस उम्र में आपको क्या शौक चला टीवी देखने का? जाएं जाके नमाज रोजा करें, जाएं। अब जाएं भी। आवाज ऊंची करो। देखो फराज, तुम अम्मा भी की फिक्र मत करो, उसना दिन रात उनके साथ हॉस्पिटल में ही रहती है। भैया, औलाद होने का हक तो आप और भाभी अदा कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ यहां से बस पैसे भेज रहा हूं, पर दुआएं तो आप समेट रहे। अरे फराज, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हिम्मत और हौसले से काम लो। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि अगर तुम पैसे नहीं भेजते तो मैं अम्मा भी का इलाज इतने अच्छे तरीके से कैसे कराता? भेड़िया भी उस वक्त तक भेड़िया नहीं बनता जब तक वो अपनी माँ की आगोश में पल रहा होता है। हाँ, लेकिन जब उसको जमाने की हवा लग जाती है तब उसकी फितरत जाग जाती है। अगले हफ्ते तक पलवशा अंसारी को इजाजत दीजिए। अल्लाह रिबान। ओके, अल्लाह हाफिज। भाई खूब आग भड़काती हैं लोगों के घरों में। हाँ, कौन आग भड़काती है भाई? वही टीवी एंकर पलवशा अंसारी। तो क्यों देखती है उसका प्रोग्राम इतनी बकायदगी से? मत देखा करो। बहुत शुक्रिया आपके इस मशवरे का। अच्छा ये बताइए कि फराज ने पैसे भेजे या नहीं भेजे? भाई अगर नहीं भेजे तो उसे कहें कि जल्दी से पैसे भिजवा दे, मुझे बेडरूम सेट करना है। कहाँ खो गए, सुना कि नहीं? सुन लिया बेगम, सुन लिया। अच्छा एक बात बताओ, तुमने हमारे किसी पुराने मोहल्ले वाले को अपने इस नए मकान का एड्रेस तो नहीं दिया? मैं क्यों दूंगी यहाँ का एड्रेस? बहरहाल आपका नहीं पता कि आपने दिया या नहीं दिया। ऐसा करके मैं फराज की नजरों में गिरना नहीं चाहता। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? कोई खास बात है क्या? वो दरअसल फराज का फोन आया था, कह रहा था कि कुछ महीनों बाद उसे ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, और जब उसे ग्रीन कार्ड मिल जाएगा तो लाजमी वो पाकिस्तान जरूर आएगा। अरे भाई कुछ भी नहीं होगा, बस एक झूठ को निभाने के लिए एक आखिरी ड्रामा करना होगा। कैसा ड्रामा? हकीकत पर मबनी एक ऐसी छोटी कहानी जिसका आगाज उसके अंजाम से होगा। Thank you.
आखिर लोग किसी कामयाबी पर खुश होने के बजाय उसके काम में कीड़े निकालना क्यों शुरू कर देते हैं? हम किसी की घटिया सोच को बदल नहीं सकते, और फिर मेरा मानना तो ये है कि दो चीज़ें इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती, एक तो पाँव की मोच, दूसरे बंदे की घटिया सोच। 100% ठीक कहा तुमने। अब देखो ना, भला ये कोई बात हुई? दुनिया हमारे प्रोग्राम की तारीफ करे और हमारे मुखालफिन ये कहकर हमारी मेहनत और पानी फेर दें कि हम लोग अपना स्क्रिप्ट खुद लिखवाते हैं, फिर ड्रामाटाइज करते हैं, उसमें सच्चाई का लेबल लगा देते हैं। सच्चाई अपना तारुफ खुद करवा देती है नबी। हम सिर्फ लोगों के आंसू दिखा रहे हैं, उनके आंसुओं की तजारत तो नहीं कर रहे। मेरे पास एक आइडिया है इस शो के हवाले से। मुझे भी बताओ क्या आइडिया है। क्यों ना हम जुल्म करने वाले और जुल्म सहने वाले को किसी ना किसी तरह अपने शो में आमने सामने बिठा दें, ताकि हमारे देखने वाले खुद ये फैसला करें कि कौन झूठा है और कौन सच्चा, और कौन जालिम कौन मजलूम। गुड आइडिया नबी, वेरी गुड। भाई आप खामोश क्यों हैं? बता क्यों नहीं रहे कि अम्मा भी की तबीयत कैसी है? भाई कुछ तो बोले। क्या हुआ भाई, गाड़ी क्यों रोक दिया? फराज, मैं तो चाहता था कि घर पहुंचकर तुम्हें अम्मी के इंतकाल की मनहूस खबर सुनाऊं। क्या अम्मी? हमारी अम्मा भी अब इस दुनिया में नहीं रही। आप भाई झूठ बोल रहे हैं ना? ऐसे नहीं हो सकता भाई, आप झूठ बोल रहे हैं। काश ये झूठ होता फराज। ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। पर भाई ये हुआ कब? तो 2 हफ्ते पहले। दो हफ्ते पहले। और आप मुझे अब बता रहे हैं? चुप हो जा फराज मेरे भाई, क्योंकि अब हम दोनों को चुप कराने वाली हमारी अम्मा भी अब इस दुनिया में नहीं रही है। भाई मुझे जल्दी से पापा की कब्र पे ले चले, वरना ये दिल फट जाएगा भाई, फट जाएगा ये दिल। खुद को संभालो, कंट्रोल करो यार, हौसला रखो। सिदारे का एक एक कोना दर्द की कहानी चीख चीख कर सुना रहा। क्या वाकई ज़ईफ अफराद का अंजाम गेओल हाउस ही रह गया है? शायद। एक वक्त था जब माँ बाप अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त नसीहत करते थे कि बेटा तुम डोली में तो हमारे घर से रुखसत हो रहे हो, लेकिन तुम्हारा जनाजा तुम्हारे अपने घर से ही उठे। लेकिन शायद अब इस नसीहत को फैशन के तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि बेटियां रुखसत होकर जाती तो अपने घर ही हैं, लेकिन उनका जनाजा आपके जैसे ही किसी ओल्ड हाउस से उठता है। शायद ठीक कह रही हैं आप। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं आपको एक खातून से मिलवाना चाहती हूँ। वो आपका प्रोग्राम बाकायदगी से देखती हैं और उनको आपसे मिलने की बहुत ख्वाहिश है। जी मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगी। चलिए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ।
अम्मा भी ये क्या हो गया अम्मा भी? आप हमें अकेला छोड़ के क्यों चले गई अम्मा भी? आप हमें क्यों छोड़ के चले गई अम्मा भी? अम्मा भी हमें क्यों छोड़ के चले गई अम्मा भी? अम्मा भी मुझे माफ कर देना, अम्मा भी मुझे माफ कर देना। मैं आपका कितना बदनसीब बेटा हूँ मम्मी, कितना बदनसीब बेटा हूँ आपका। कभी आपके जनाजे में भी शरीक नहीं हो सका मम्मी। भाईजान आपको बताना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था भाईजान, आपको बताना चाहिए था। अल्लाह मुझे माफ कर दे कि मैं अपनी अम्मा भी को आखिरी बार देख भी नहीं सका। अम्मा भी, अम्मा भी, आपको आपको याद है ना अम्मा भी? क्या मुझे अकेले कहीं भी नहीं जाने देती थी? आज क्यों अकेला छोड़ गया मम्मी? मम्मी फिर आज कैसे छोड़ गई? हौसले से काम लो सला, हौसले से काम। मम्मी कहाँ ढूंढूं मैं आपको? मम्मी कहाँ जाएगा ये आपका फराज मम्मी? अम्मा लाए मामी, मैं रख देता। क्या बात है बेटा, कोई खास बात है? जी अम्मा भी, लगता है कोई खुशी की बात है। मेरे लिए तो खुशखबरी है, पर शायद आपके लिए नहीं। बताना क्या बात है? वो अम्मा भी, मेरा अमेरिका का वीजा लग गया है और मुझे इसी महीने जाना होगा। क्या वाकई? जी अम्मा भी। अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या हुआ अम्मा भी? हाँ देखो ना, तुम्हारे अमेरिका जाने के सुनकर मैं बौखला सी गई। हालांकि मैंने तेरे लिए कितनी दुआएं की थी, लेकिन अब तेरा जाने का सुन के मेरी जान से निकली जा रही। लेकिन बेटा तुम अमेरिका क्यों जाना चाहते हो? अम्मा भी आखिर जाना भी तो जरूरी है ना, आखिर इस मुल्क में क्या रखा है? सब कुछ तो दिया है तुम्हें इस मुल्क ने। मत जाओ अमेरिका, वहां जाने वाला वहीं का होके रह जाता है और कभी लौट कर नहीं आता। मुझे अपने जनाजे के लिए तुम्हारे कंधे की भी तो जरूरत पड़ सकती है बेटा। नहीं अम्मा भी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे अम्मा भी क्या हो गया आपको? फराद अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए जा रहा है, आप उसे रोकने के बजाय अपनी दुआओं के साए में रुख्सत कीजिए। ये कहीं भी चला जाए, अमरीका चाहे जापान, माँ की दुआएं हमेशा औलाद का पीछा करती हैं बेटा। अम्मा भी अगर आपको मेरा जाना मंजूर नहीं तो मैं नहीं जाता। यार फराज क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? इतने पैसे जो उधार लिए हैं अमेरिका जाने के लिए, अगर जाओगे नहीं तो कर्ज कहाँ से चुकाओगे? बस यही तो एक मजबूरी है, मैं जाने से नहीं रोक सकती। जाओ बेटा जाओ, अल्लाह के हवाले।
चले चले फरहाद। आप क्या बता रही थी नसरीन के उन खातून का बेटा उनको यहाँ छोड़कर भाग गया था? जी, वो उनको किसी दिन बहाने से कहीं लेके जा रहा था कि अचानक हमारी सेंटर के सामने उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। उनका बेटा मेरे पास ऑफिस आया और उसने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं उनको कुछ देर के लिए यहाँ रख लूँ और उनका ख्याल रखूँ। वो बस एक घंटे में गाड़ी ठीक करवा के उनको यहाँ से ले जाएगा। बस वो दिन है और आज का दिन है, वो गाड़ी ठीक करवा के आज तक नहीं लौटा। उसने वापस आना ही कब था? खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ ताबुन किया। मैं उन खातून से दोबारा मिलने ज़रूर आऊँगी। जी ज़रूर, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। अल्लाह हाफिज़। ओके। नबील, क्या मुमकिन है कि उनके बेटे का पता लगाया जा सके? मैं ऐसी मक्कार औलाद को दुनिया के सामने बेनकाब ज़रूर करना चाहूँगी। कितना बदनसीब हूँ मैं, अम्मा भी के जनाजे को कांधा भी नहीं दे सका। फराज, तुम्हारी भाभी ने तो मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं, लेकिन सिर्फ ये सोचकर नहीं बताया कि तुम अम्मा भी के इंतकाल की खबर सुनकर अमेरिका से दौड़े चले आते, और फिर तुम्हारे ग्रीन कार्ड का क्या बनता? भाड़ में जाता ग्रीन कार्ड भाईजान, आपको बताना चाहिए था, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं आपको माफ नहीं करूंगा, कभी भी माफ नहीं करूंगा। फराज, तुम अपने भाई को माफ कर दो, इन्होंने तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए तो ऐसा किया, बल्कि तुम हम दोनों को माफ कर दो प्लीज। भाभी क्यों शर्मिंदा करती है मुझे? आपने तो अम्मा भी की आखिरी वक्त तक जो खिदमत की उसका अजर तो अल्लाह ही दे सकता है। भाईजान, आपको बताना चाहिए था, तो आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अच्छा फराज, अब तुम रोना तो बंद करो और उठ के हाथ मुंह धोलो, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करती हूँ, ठीक है? भाभी प्लीज, फिर हम मूड नहीं है खाने का। थैंक यू। क्या बात है भाई, तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई बड़ी न्यूज़ है? बड़ी? बहुत बड़ी न्यूज़ है पलवशा। तो बताओ ना जल्दी से। उन खातून के नालायक बेटे का पता चल गया। कहीं तुम उनकी बात तो नहीं कर रहे कि जिनका बेटा एडी सेंटर के सामने गाड़ी खराब होने का बहाना करके उन्हें छोड़कर भाग गया था? बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहा हूँ। माय गॉड, क्या सोचने लगी हम? नहीं नहीं, मैं सोच नहीं रही, बल्कि मैं ये फैसला करना चाह रही हूँ कि कैसे उसे बेवकूफ बनाकर हम उसे अपने शो में बुलाएं। ये तो मुझ पर छोड़ दो। डन हो गया, डन हो गया। देखो ना, तुम्हारे अमेरिका जाने के सुनकर मैं बौखला सी गई, मैं बौखला सी गई। हालांकि मैंने तेरे लिए कितनी दुआएं की थी, लेकिन अब तेरा जाने का सुन के मेरी जान से निकली जा रही है। आवाज तो दी होगी हर वक्त, मुझे अपने जनाजे के लिए तुम्हारे कंधे की भी तो जरूरत पड़ सकती है बेटा। तुम चले, माँ के दुआएं हमेशा औलाद का पीछा करती हैं बेटा। न कोई संदेश, जाने वो कौन सा।
यही तो एक मजबूरी है, मैं जाने से नहीं रोक सकती। जहां तुम चले गई। अरे पलवेशा, आप और यहाँ? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल मैं अपने एक प्रोग्राम हुरमत के लिए आप लोगों का इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। इंटरव्यू? कैसा इंटरव्यू? क्या हम अंदर बैठकर बात कर सकते हैं? ओह आई एम सॉरी, आइए ना अंदर प्लीज, आप लोग आइए। थैंक यू सो मच। आइए आइए। पहले मैं आपसे चंद सवाल करूंगी सरफराज साहब, फिर आपसे। नबील आवी रेडी? जी जी, टू शॉट में। हाँ चले जी, रोल। यस के हुसरा साहब, जैसा कि भी आपने मुझे बताया कि आपने अपनी बीमार सास की दिन रात खदमत की, सबसे पहले तो आपके उस जज्बे को, आपकी उस खदमत को मैं सलाम पेश करती हूँ। माँ की खदमत तो हर बेटी ही करती है, लेकिन एक बीमार सास की खदमत और उसकी तीमारदारी करना, वो भी 2 साल तक, आज के इस दौर में झूठ और मजाक ही लगता है। बेशक अब इसे कोई झूठ समझे या मजाक, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। और मैंने अपनी सास की खिदमत ये समझ कर की है कि अगर इसकी जगह मेरी अपनी माँ होती तो क्या मैं उसकी खिदमत ऐसे ना करती। और वैसे भी मुझे लोगों को नहीं, अपने रब को खुश करना था। मैं आपके जज्बे की दिल से कदर करती हूँ। बहुत खुशनसीब हैं आपके वालदैन जिन्हें आप जैसी बेटी मिली। सरफराज साहब, ऐसे आप भी बहुत खुशनसीब हैं जो आपको इतनी दर्दमंद, सुघड़ और खूबसूरत बीवी मिली। मैं आपको ट्रिब्यूट देने के लिए कल अपने शो में मधु करना चाहती हूँ, ताकि मेरे प्रोग्राम के जरिए पूरी दुनिया ये देख सके सास बहुएं ऐसी भी होती हैं। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि हम आपके प्रोग्राम में शिरकत करें। बिल्कुल। अरे ये फराज है, मेरे देवर हैं, अमेरिका से आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं चाहूंगी कि कल आप मेरे शो में जरूर आए। सॉरी मैं नहीं आ सकता क्योंकि कल मेरी अमेरिका के लिए रवानगी है। देखिए मैं तो सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, अगर आप भी आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपकी पूरी फैमिली भी होगी। और वैसे भी मेरा शो तो दिन में ही ख़त्म हो जाएगा और आपके लिए एक सरप्राइज भी है। सरप्राइज? सरप्राइज गिफ्ट सभी को मिलेंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम में जो टॉपिक रखा गया है उस टॉपिक से तो आप सब बहुत ही खूब वाकिफ होंगे। हमारा आज का टॉपिक तो हर घर घर की कहानी है, कहीं सास जालिम तो बहू मजलूम, कहीं बहू जालिम तो सास मजलूम। सदियों से चली आ रही सास बहू की जिद को इस प्रोग्राम के जरिए मैंने कुछ हद तक खत्म करने की एक छोटी सी कोशिश की है। इस कोशिश में मैं कहाँ तक कामयाब हुई हूँ इसका फैसला तो आप सब देखने वाले करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है आईना। आईना जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो बदसूरत होता है उसको बदसूरत ही दिखाता है,
और जो खूबसूरत होता है वो खूबसूरत ही दिखता है। लेकिन उससे पहले मैं अपने मौजूद मेहमानों का बहुत सारी तालियों में इस्तकबाल करना चाहूंगी। प्लीज बैठिए। फराज साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, 5 साल बाद पाकिस्तान आकर कैसा लगा? काश आज अम्मा भी जिंदा होती तो मुझे जन्नत जैसा लगता। और अगर मैं ये साबित कर दूं कि आपकी जन्नत आपके पास ही है तो? मैं कुछ समझा नहीं। इस प्रोग्राम के खत्म होने से पहले मैं जरूर आपको समझा दूंगी। अब आपकी भाभी से चंद सवालात कर लेते हैं। हुस्ना साहिबा, क्या आप हमें बताना चाहोगी कि आपकी सास की कोई एक ऐसी आदत, अच्छी आदत, जो आप भूलना भी चाहो तो भूल नहीं पाओ? उनकी तो तमाम आदतें बहुत अच्छी थी, उनमें से एक का इंतखाब करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। क्या बात है। कोई ऐसी बुरी आदत जो आपको जरूरत से ज्यादा खलती हो और उनके मरने के बाद आपने सोचा हुआ कि अच्छा हुआ जान छूटी? आप मुझे क्यों गुनाहगार कर रही हैं ऐसा सवाल करके? बल्कि मैं तो यहाँ बैठी तमाम बेटियों से यही कहूंगी कि अगर उनकी शादी हो और उनको भी मेरे जैसी सास मिले तो वो उनकी इतनी ही खिदमत और इतनी ही इज्जत करें। बहुत खूब। सरफराज साहब, आपने भी तो अपनी वालदा की खिदमत की, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी इतनी तवील बीमारी से आपको झुंझलाहट हुई हो? बिल्कुल भी नहीं। फराज साहब, आपको क्या लगता है आपकी गैर मौजूदगी में आपके भाई और भाभी ने आपकी अम्मी की जो खिदमत की, तो आपको उससे कोई शिकायत? आप शिकायत की बात कर रहे हैं, बल्कि अम्मा भी की इन दोनों ने जो खिदमत की उसका तो एहसान मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकता। फरिश्ते हैं ये दोनों, फरिश्ते। फरिश्ता, एक फरिश्ता इंसान कैसे बनता है हम वो आपको भी दिखाते हैं। उससे पहले हम एक छोटा सा पैकेज देखते हैं। फराज साहब, आपके लिए एक सरप्राइज है हमारे पास, वॉच नाउ। अम्मा, कौन छोड़ के गया था आपको यहाँ पर? मेरा बेटा सरफराज अहमद। क्या कहकर छोड़ कर गया था वो आपको यहाँ पर? कह रहा था गाड़ी खराब हो गई, वापस आके ले जाऊंगा। सबसे ज्यादा किसकी याद आती आपको? छोटे बेटे की अमरीका में है, चाहती हूँ मरने से पहले एक बार उसे मिल लो। एक मिनट, ये पैकेज कब का है? नबील, एक सेकंड, पैकेज रुकिए। अब बहुत हो गया, अब मुझसे भी और इंतजार नहीं हो रहा। नबील, अम्मा भी को प्लीज अंदर भेज दीजिए।
लोग कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज तो आप लोगों के लिए भी है, प्लीज। शर्म आती है मुझे कि तुम जैसा इंसान मेरा भाई है जिसने चंद पैसों की खातिर अपनी माँ को बेच दिया। कुछ भी कट नहीं करना नबील। फराज साहब आपका गुस्सा बिल्कुल बजा है, लेकिन क्यों ना हम एक मर्तबा उनसे भी पूछ लें जिनके साथ ही सब कुछ हुआ। अम्मा भी आप अपने बड़े बेटे सरफराज अहमद से कुछ कहना चाहेंगी? ऐसे बेटे को तो मर जाना चाहिए, सांप भी इंसानों में पैदा होने लगे। कैसी औलाद है, तौबा तौबा, अल्लाह दुश्मन को भी ना दे। अम्मा भी इसको माफ मत करिएगा, कोड़े पड़ने चाहिए ऐसे बेटे को। शेम, 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 शेम। रुक जाओ मेरे बच्चों, रुक जाओ। इसको जलील करने से अच्छा है इसकी जलालत से सबक सीखो और इसको ये समझाओ कि भले माँ बाप लंगड़े हैं, अंधे हैं, लेकिन अपनी औलाद के लिए हर वक्त दुआएं करते रहते हैं। और हो सके तो अपने माँ बाप से कभी अलग मत होना, वरना दुनिया और आखिरत में रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। मैंने तो इसे माफ किया, लेकिन अल्लाह इसे माफ करेगा या नहीं ये उसका और इसका मामला है। नासरीन, हमारा ये प्रोग्राम करने का हरगिज ये मकसद नहीं था कि हम किसी की बेइज्जती करें या किसी की दिल आजारी करें, लेकिन ये शो करना बहुत जरूरी था क्योंकि एक बेटे को यही नहीं मालूम कि उसकी माँ अब तक जिंदा है, उसे धोखे में रखा गया। और एक ऐसा बेटा भी है जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसने अपनी माँ की हुरमत को मिट्टी में दफन करके झूठ की एक ऐसी इमारत तामीर की। मैं एक बार फिर आपसे माफी चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। आप जो काम कर रही हैं इसका असर तो आपको अल्लाह पाक ही दे सकता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाब करेगा।